वेलकम दोस्तों, आज के व्लॉग में आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। एक्चुअली दोस्तों, दो घंटे तक मैंने वेट किया ऑर्डर का, शैडो फैक्स मैंने ऑन किया था लेकिन कोई ऑर्डर नहीं आया। तो अभी फ़िलहाल मैंने जोमेटो ऑनलाइन किया है तो इसमें तुरंत अभी ऑर्डर मिला है। 12 बजे से लॉगिन किया था शैडो फैक्स में, कोई ऑर्डर नहीं आया तो 2 घंटे बाद फिर जोमेटो ऑन कर दिया तो अभी ऑर्डर मिला है, जा रहा हूँ ऑर्डर ले। तो दोस्तों अभी जस्ट ऑर्डर ले लिया मैंने, पिज़्ज़ा का ये ऑर्डर है। तो अभी निकल रहा हूँ कस्टमर की लोकेशन पर, यहाँ से करीब 6 किलोमीटर के आसपास है लोकेशन कस्टमर की। तो आइए चलते हैं फिर कस्टमर की लोकेशन पे। बाकी गर्मी है ठीक ठाक थी, धूप भी हो रही है बीच बीच में ज़्यादा ही। तो आइए चलते हैं फिर काम पे, 2 घंटे तो बर्बाद हो ही गए लेकिन चलते हैं, देखते हैं आज का क्या हिसाब किताब रहता है। दोस्तों अभी बस मैं पहुंच गया हूं कस्टमर की लोकेशन पे। एक्चुअली फ्लैट है, 5th फ्लोर में जाना है तो लिफ्ट पे तो मैं चढ़ता नहीं हूं, आपको मैं बताऊंगा आगे चल के, थोड़ा सा इशू है मुझे। तो बस अभी मैं निकाल रहा हूं पिज़्ज़ा और कस्टमर की लोकेशन पे जा रहा हूं। दोस्तों अभी एक ऑर्डर डिलीवर किया हमने, अरे 10-15 मिनट पूरा खा गया, मेरे ख्याल से 20 मिनट ही खा गया होगा। तो लड़ाई होने लग गई। होता ये है ना कि यहाँ पर क्या है कि स्विगी जोमेटो वालों को क्या है ना कि गार्ड वार्ड कुछ समझते नहीं है। हमने इस बिल्डिंग का नाम नहीं सुना, देखा तो वही बोलने लग गए कि ये वाली बिल्डिंग नहीं पढ़ी गई, देखी नहीं गई, ये है वो है, बड़ी तेज़ गुस्सा लग जाती है। तो लड़ाई हो गई, फिर लड़ाई कर ली, फिर तो थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाता है यार। कभी तो इस चीज़ का अंत करो यार, कभी तो कुछ तो यानी सही होना चाहिए ना। तो वही वाली चीज़ें हैं कि यार लोग इतनी गलत तरीके से यानी अपने आप को दूसरों के लिए बनाने लग जाते हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी देखते हैं, पहले ऑर्डर में थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया, आगे बस अब बाहर निकल रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों अभी अभी एक ऑर्डर लगा है जहाँ का, जयशंकर ग्रीन किचन करके है, तो इसके फ्लोर पर लिफ्ट से नहीं जाता हूँ मैं। एक्चुअली अभी थोड़ा बीच में मैंने ब्लॉग को थोड़ा सा ब्रेक दे दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा यानी मूड ख़राब हो गया था, माँ की गाली दे रहा था, गाड़ी दिखा नहीं पाया क्योंकि कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाता है, क्योंकि इससे मैं बहुत ज़्यादा मैं हाइपर हो गया था। क्योंकि एक तो यार आप लोग जान रहे हो कि मम्मी की तबीयत ख़राब है और कोई बेवजह यार तंग करता है तो कैसे कोई झेले। तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डेली बेसिस पर ये सब चीज़ें मैं जब आपको दिखाऊंगा ना तो आपको पता लगेगा कि यानी कितना ज़्यादा दिक्कत में, कितना ज़्यादा यानी मुश्किल में ये काम को आगे बढ़ाना पड़ता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, यहाँ पे कुछ और है भी नहीं और बस मुझे यूट्यूब पे काम भी करना है। तो बस चल रहे हैं, देख रहे हैं, अभी यहाँ का ऑर्डर लगा हुआ है, देखते हैं कब तक ये देते हैं ये। तो आइए चलते हैं, तो मैं सीढ़ियों से ही जाऊँगा, मैं स्टेज से बताऊँगा मैं किसी दिन कि लिफ्ट से क्यों फिक्र नहीं करता हूँ, बताऊँगा लिफ्ट से जाना क्योंकि मुझे पसंद है। ऑर्डर ले लिया अभी हमने, फिर ऑर्डर बस अब लेके चल रहे हैं, है यहाँ से करीब करीब 3-4 किलोमीटर है कस्टमर का लोकेशन, तो बस वहीं जा रहे हैं। अभी अभी जस्ट कस्टमर की लोकेशन पे पहुँचे हैं तो देखते हैं कितनी देर में कस्टमर आते हैं। वेट कर रहा हूँ मैं कस्टमर का, देखो कब तक आते हैं।
दोस्तों अभी एक ऑर्डर लगा है, ये एक बेकरी है होटल के साथ में, तो बस यहाँ से ऑर्डर उठा रहे हैं, उसके बाद में फिर चल रहे हैं। अभी अभी ऑर्डर लिया है हमने, बस अब निकल रहे हैं कस्टमर की लोकेशन पे। यहाँ से करीब पड़ेगा 4-5 किलोमीटर, तो कस्टमर की लोकेशन है करीब करीब 4-5 किलोमीटर पड़ेगा। तो ये इसी को क्रॉस करके कस्टमर का लोकेशन पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था ना कि थोड़ा लिफ्ट की प्रॉब्लम रहती है, तो इसीलिए स्टेयर्स को यूज कर रहा हूँ मैं। बस अब पहुँच गया, यही दिक्कत रहती है मेरे साथ में। अभी अभी जस्ट ऑर्डर डिलीवर हुआ है दोस्तों, थोड़ी सी हीट प्रॉब्लम रहती है मेरी, क्या करें, एक बारी बहुत बुरा फंस गया था ना, अब से अंदर से ना एक फोबिया सा बैठ गया। बस अब नीचे उतर रहे हैं ऐसे ही दोस्तों। अभी अभी जस्ट ऑर्डर अभी डिलीवर किया है, तो अभी बस बाहर निकल रहा हूँ। तो जैसा मैं आपको बता रहा था ना कि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है, ऐसा लगता है अभी कि अभी मैं मर जाऊँगा, एक तरीके का फोबिया है। क्या कर सकते हैं, इसी कोई दवाई भी नहीं है, झेल रहे हैं। मैंने बहुत स्ट्रगल किया इसी वजह से, जब मैं पहले क्या कहते हैं ऑफिसेज में भी था, तो इन्हीं सब वजहों से मुझे बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी थी, क्योंकि कई ऑफिसेज ऐसे होते थे जो काफ़ी ऊँचे फ्लोर पर रहते थे, तो बहुत कुछ स्ट्रगल किया है। लेकिन चलिए कोई इशू नहीं है, अभी नेक्स्ट ऑर्डर पे निकल रहे हैं हम, देखते हैं कि चल रहे हैं लोकेशन पे। ये बेसिकली एक होटल टाइप का है जहाँ से ऑर्डर है, ये रेस्टोरेंट कंपनी। दोस्तों बस लोकेशन पे हम पहुँचने वाले हैं, 100 मीटर की दूरी है बस। तो आज का दिन नॉर्मल रहा और कमाई की जहाँ पे बात करूँ 400 रुपये की कमाई है बस ऑर्डर किए हैं, और जो अभी ऑर्डर किया है इसमें 60 रुपये की कमाई है। नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है, चल रहा है किसी के। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना बिल्डिंग, से यही है वो रेस्टोरेंट, बेसिकली होटल टाइप का ही है। तो बस अब यहीं पे मैं अपना ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।